हे गाइस, यार आपको दो अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि कल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसमें से एक तो यही है कि हमारा एक और नया चैनल आ चुका है जिसका नाम है सोनू अहलावत। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नया चैनल इसलिए क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि अभी मैं आपको देने वाला हूँ, तो विदाउट सेटअप ऐसे ही हम वीडियो रिकॉर्ड करके उसके ऊपर आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए वो चैनल हमने बनाया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट परेशान हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था 3 Great Grand Opportunities के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक वैकेंसी के बारे में बताया था, IBPS CRP क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021, जिसमें 5000 के आसपास वैकेंसी फिलहाल निकली हुई थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था। अब काफी सारे लोग मोटिवेट थे कि यार वैकेंसी बढ़िया है, अप्लाई करेंगे, और रियली में वैकेंसी बहुत जबरदस्त है। लेकिन जब अप्लाई करने गए तो वहां पर लिंक दिखा रहा है कि लिंक अप्लाई लिंक इज टेम्परेरली स्टॉप, यानी कि फिलहाल टेम्परेरी स्टॉप है। तो काफी सारे लोग सोच रहे कि वैकेंसी चली गई या फिर हमने मिस कर दिया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, वैकेंसी कहीं चली नहीं गई और ना ही फॉर्म कैंसिल हुए हैं, फिलहाल टेम्परेरी फॉर्म अप्लाई करने के लिए रोक दिए गए हैं, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी कि जो क्लरिकल कैडर के एग्जामिनेशंस हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए होते हैं, उनको रीजनल लैंग्वेज में कराया जाए, ये बहुत डिमांड बढ़ रही थी। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, काफ़ी सारे लोगों की, कि हर स्टेट की जो रीजनेबल लैंग्वेज है उसमें एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए इंग्लिश के साथ साथ। तो फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर जारी किए गए हैं कि जब तक ये इशू सोल्व नहीं होता, इसके ऊपर प्रॉपर नहीं आ जाता फैसला, तब तक फिलहाल इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी के पास ये मुद्दा गया, इसके ऊपर बात चल रही है, और ये कहा जा रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि कमेटी के पास 15 दिन है अपना फैसला सुनाने के लिए कि क्या होगा, क्या एग्जामिनेशन रीजनल लैंग्वेज में भी होना स्टार्ट होगा या फिर ऐसा ही रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको पता ही है कमेटी का जो फैसला है वो 15 दिन के अंदर आ जाएगा, और दो ही ऑप्शन है कमेटी के पास, या तो रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम होना स्टार्ट होगा, या फिर जैसे अब तक चल रहा था हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो जल्दी ही फैसला आ जाएगा, बस 15 दिन क्या, जल्दी ही आ जाएगा 15 दिन से पहले, क्योंकि काफी दिन तो जा भी चुके हैं, तो आपको ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है, ये वैकेंसी ऐसी है जो कि हर साल आती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। तो बस थोड़ा सा वेट करिए, 5-6 दिन के अंदर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, शायद अगस्त के फर्स्ट वीक में फॉर्म स्टार्ट हो जाए। तो एक तरीके से इसको पॉजिटिव वे में भी लेके चलिए कि यार टाइम मिल जाता है आपको थोड़ा सा, और एग्जाम की डेट शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए, वैसे एग्जाम के ऊपर इफेक्ट ना पड़े मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको सोचने समझने का तो टाइम मिल गया है कि हाँ अप्लाई करना चाहिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी किस किस तरीके की रखूंगा, तो इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलिए, तो एग्जाम आपका होगा, निश्चिंत रहिए। बस ये थोड़ा सा इशू फंसा हुआ था, काफी सारे लोगों की बहुत डिमांड इंक्रीज हो रही थी, बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिमांड आ रही थी कि रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम होना चाहिए स्टेट की, तो उसके ऊपर ये पूरा पंगा चला था। तब ये टेम्परेरीली, वेबसाइट जब खोलते हो ना आप लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वहां पर टेम्परेरीली स्टॉप, ठीक है, ना कि परमानेंट। तो ज्यादा मतलब हाइपर मत हुआ करें, कमेंट करना शुरू कर दिया काफी सारे लोगों ने कि भैया वैकेंसी तो चली गई, आप अब क्यों बता रहे हो, वैकेंसी नहीं गई, फॉर्म फिलहाल टेम्परेरीली होल्ड पर है। तो चलिए ये इशू है, इसी वजह से हम दूसरा चैनल बना रहे हैं, ताकि विदाउट सेटअप पे जहां पर भी मैं हूँ, ऑफिस ऑफिस के बाहर हूँ, वहां पर मैं आपको डिटेल दे सकूँ, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ तो जो सोनू अहलावत वाला चैनल है ना, उसके ऊपर मैं ऐसे ही फ्रंट कैमरा से कर दिया करूंगा, आपके डाउट क्लियर हुआ कर देंगे। अब देखिए कल बताना था, अब ये वीडियो आपको मिली होगी। तो चलिए यार इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पॉजिटिव माइंड के साथ अपना प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए, एग्जाम आपका जल्दी ही होगा।